आप अंदर नहीं जा सकते। पर मेरा वॉलेट अंदर है। एक मिनट, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपका जो भी सामान है बाद में ले जाना। या अल्लाह, एक बार फिर से ढूंढ लेती, कहीं पैसे यहाँ वहाँ तो नहीं रख दिए। अब तो पुलिस भी यहाँ आ गई है। अगर कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। साइलेंस प्लीज। कैन आई हैव एवरीवन्स अटेंशन हियर। एज यू ऑल नो कि हमारे कॉलेज के लॉकर रूम से चोरियां हो रही हैं। और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस एक बार सीसीटीवी की फुटेज देख ले तो चोर का भी पता चल जाएगा। बट बिफोर वी डू दैट, मैं एक और कोशिश करना चाहती हूं इस मैटर को चुपचाप रिजॉल्व करने की। मैं जानती हूं कि हरकत आप में से किसी की है, और जिस किसी ने भी ये किया है, मैं चाहूंगी कि वो मेरे कैबिन में आए और चोरी किया हुआ सामान मुझे वापस कर दे। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूंगी एंड द मैटर विल बी फिनिश्ड देयर एंड देयर। आपके पास आज तक का टाइम है। थिंक अबाउट इट। That's it. Thank you. पुलिस एक बार सीसीटीवी की फुटेज देख ले तो चोर का भी पता चल जाए। बट बिफोर वी डू दैट, मैं एक और कोशिश करना चाहती हूँ इस मैटर को चुपचाप रिजॉल्व करने की। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं चाहूंगी कि वो मेरे कैबिन में आए और चोरी किया हुआ सामान मुझे वापस कर दे। अगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं बॉयज लॉकर रूम में गई थी, और फिर चोरी का शक मुझ पे आ जाएगा। नहीं नहीं, इससे पहले कि ये हो, मैं खुद जाकर अवंतिका मैडम से सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैम, मे आई कम इन? यस, कम इन। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। यस Yes. I'm waiting. वो मैम एक्चुअली वो लॉकर रूम में। हेलो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस कॉलेज? सीसीटीवी फुटेज किसने चुरा ली? ये उसी का काम होगा जिसने लॉकर रूम से चोरी की है। I'm coming. क्या कहना था तुम्हें? हाँ मैम, वो मैं बता रही थी कि लॉकर रूम से मेरा भी कुछ सामान चोरी हुआ है। एनीवेज, तुम एडमिन में जाओ, वहाँ शर्मा जी हैं। तुम्हारा जो भी सामान चोरी हुआ है उसकी लिस्ट शर्मा जी को दे दो, ही विल टेक केयर ऑफ इट। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू लीव। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज कौन चुरा सकता है? क्या कर रहे हो तुम?
चोरों के साथ ऐसे ही किया जाता है। शट अप, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो तो दिख ही रहा है। इसका मतलब वो फुटेज तुमने? थैंक्स, बट इसकी कोई जरूरत नहीं थी। I know how to handle my problems. Shut up. ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, अपने लिए किया है। ये मत समझना मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है। सीडी अभी भी मेरे पास है। यानी मुझे 5 मिनट में मिलो फायर एग्जिट में, वहां पे कोई नहीं होगा। मैं नहीं आ रही। सोच लो। रिलैक्स, मैं हूं, मैं खाऊंगा नहीं। अनलाइक योर बेस्ट बडी कर्मा। बाय द वे, आजकल बहुत हैंगआउट वैंगआउट हो रहा है, बात क्या है? लिसन, कोई हैंगआउट वैंगआउट नहीं, बस ऐसे एज यूजुअल जस्ट बिस विद मी। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि उसे सेंटर में एडमिशन नहीं मिला ना, इसलिए। सो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गॉड नोस रघु, दैट्स द थिंग ना, मेरी क्या गलती है? आई एम श्योर अगर उसका बस चलता ना तो अपने पैदा होने के लिए मुझे ब्लेम करता। इडियट। एनीवेज, आई गॉट टू गो नाउ, मेरे डांस रिहर्सल्स हैं, सो आई विल सी यू इन सम टाइम। ओके, बाय। से हो क्या गया? कोई सार्कास्टिक कमेंट नहीं, कोई टॉन नहीं, मेरी बुराई नहीं। बिरयानी पक रही है रघु और तुझे इनवाइट भी नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं कर्मा चाहता क्या है। अगर उसे मुझे फंसाना ही था तो फिर उसने फुटेज क्यों डिलीट की वहां से? इतनी अजीब सी जगह पर बुलाया। अगर ज्यादा होशियारी की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। बहुत स्मार्ट समझता ना अपने आप को, समझता कि मैं लड़की हूं तो मुझे डरा सकता है वो? ब्लडी हेल, उसकी तो मैं क्या पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? वार्म अप। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो? नहीं, गलत फहमी है ना तुम्हें अपने आप को लेकर। एक बात याद रखना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना फिजिकली, ना इमोशनली और ना ही मेंटली, कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया? इसके लिए। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो?
तुम चाहते क्या हो? बस मेरे पैसे। मतलब? मतलब कि ये मैडम, कि जो पैसे तुमने चुराए उसे लौटाना भी पड़ेगा। हेलो, डोंट ट्राई टू बुली मी, लौटा दूंगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा टाइम। What do you mean? हाँ, अगले 3 दिनों में तुम्हें अपना पहला इंस्टॉलमेंट यानी कि 25,000 रुपीज पे करने होंगे। पर 3 दिन में? I don't care. पैसे चुराने से पहले ही सोच लेना चाहिए था ना ये। Yes, Uma, you're in deep shit. अभी तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। शमशेर भाई के गुंडों से तो मिल ही चुकी हो, उसके पैसे अगर नहीं लौटाए ना टाइम पे, मुझे क्या, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, समझी? पर मैं 25,000 कहां से लाऊंगी? मेरी लॉटरी लग रही है क्या? लॉटरी नहीं लगी तो लगाओ, बैग बोरो स्टील, आई डोंट केयर। वैसे भी तुम चुराने में इतनी माहिर हो तो किसी के पैसे भी नहीं चुरा लेती। You know what? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि मैं इस कॉलेज में आई और तुमसे पाला पड़ा। No. सबसे बड़ी मिस्टेक तो अब होने वाली है जब तुम पैसे टाइम पे नहीं दे पाओगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने आखिर मुझे पुलिस से बचाया है क्यों? अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना था तो फिर उन्हें पकड़ने देते ना, ये सब सीढ़ी चुरा कर उसे तोड़ने का नाटक क्यों? नाटक? ओ मैडम, तुम मेरा शिकार हो, पुलिस का नहीं, समझी? कूल बैग है, एंड एज ऑलवेज आप पे बहुत सूट भी कर रहा है। थैंक यू। क्या काम है? कुछ काम ना भी हो तो भी आपको मिलना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुंह का वॉर्मअप हो गया हो तो काम की बात करें? या यू शुड कांग्रेचुलेट मी, ओके? क्यों? ऐसा क्या काम किया तुमने? सेंट लुई को उसका 10th डांसर दिला दिया। हाँ, इशिका के एडमिशन पेपर्स रेडी है और आज पैसे आती है, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड यू नो 10th या 11th? मतलब कर्मा, वो भी तो सेंट लुई ज्वाइन कर रहा है। You know, राघवेंद्र प्रताप सिंह के सोर्सेस बताते हैं कि इम्पॉसिबल है, इसलिए इशिका आपकी 10th डांसर होगी। Whatever. जो फी पहले डिपॉजिट करेगा वो मेरा फाइनल डांसर होगा। एंड बाय द वे, कुछ जो इशिका को बता देना कि जल्द से जल्द फी डिपॉजिट कर दे। ओके? ऑफ कोर्स। बाय द वे, अनफॉर्चुनेटली मुझे अब जाना होगा, तो इफ यू डोंट माइंड मैं जा सकता हूँ? प्लीज। क्या वो बर्थडे गिफ्ट है? यस। हैप्पी बर्थडे शैरन। आज नहीं, कल है। मतलब मैं लेट विश करने से बच गया, राइट? मैं आपको कल विश करूंगा स्टाइल में। गेट लॉस, मुझे बहुत काम है। या बाय। टाइम हो गया, अभी तक विष्णु नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया। क्लास भी स्टार्ट होने वाली है मेरी, और फिर विष्णु, ओह
कहाँ हो तुम? पूरा पूरा कॉलेज ढूंढ के आ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा ये लो तुम्हारी फीस। ये अरे क्या कर रहे हो, कोई देख लेना तो ये सारे पैसे। तुम्हें पता है आज ही कॉलेज में चोरी हुई है। अच्छा हाँ अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाके डिपॉजिट कर देती हूँ। वैसे विष्णु तुम खुद क्यों आए? असिस्टेंट को बोल देते, वो ले आता। एक्चुअली मैंने उसको बोला था पर वो इतना बिजी था कि मैंने सोचा कि मैं खुद आ जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने हाफ डे भी ले लिया। तुम कितने अच्छे हो विष्णु, पर एक बार पूछ तो लिया होता। क्यों? वो रघु है ना रघु, उसने मेरे सारे फॉर्म्स फिल कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, मुझे बस साइन करने थे, वो मैंने करके उसे दे दिए। अब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स? हाँ, उसे मैंने बहुत जल्दी जज किया, वो बहुत अच्छा लड़का है, खूब भला चला। Hey, how you doing? How are you? Hey, I'm good. Well, congratulate me, you know. Finally, मैंने इशिका को convince कर ही लिया. Tough job, you know. Congratulations. वैसे इशिका ने जो decision लिया था वो ठीक था. पहले decision गलत हो जाएगा अगर office बंद होने से पहले हमने fees deposit नहीं की तो. So, fees वगैरह सब ready है? हाँ है ना मेरे पास। तो किसका वेट कर रहे हैं हम लोग, चलो ना जल्दी। हाँ, विष्णु मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, क्लास के बाद बाय। ऋषि अभी हम लोगों को पहले जाना है। अरे देखो भाई लोग फोन आया है। कर्मा तुम यहाँ? वो भी हुआ के साथ? तो मैं क्या समझू कि तुम डीसी एकेडमी फिर से ज्वाइन करना चाहते हो? मुझे पता था कि तुम दोबारा आओगे, बस डर रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए। वेलकम बैक यार, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट। यस लेट्स स्टार्ट। कम ऑन। पानी लेकर
उमा उमा डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। अच्छा 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 उठा 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 गाड़ी निकल गाड़ी निकल गाड़ी निकल निकल। क्या हुआ साहब? बेहोश हो गई। हाँ ले आओ जल्दी ले आओ। डॉक्टर वो ठीक है? हुमा अभी ठीक है, जस्ट वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी। नथिंग सीरियस ना? नॉट एट ऑल। सो डिस्चार्ज कब होगी? कल सुबह। ओके फिलहाल मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप ले आइए। हाँ राइट ओके ओके थैंक यू डॉक्टर। दे दे हम लोग लेके। अच्छा ठीक है पैसे है ना? आप सब अभी तक यहाँ हैं? हाँ वो बस तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया, वो आते ही होंगे। क्या क्यों उन्हें इन्फॉर्म क्यों किया? अभी अम्मी आएगी और मुझे डांटने लग जाएंगी। अरे डोंट वरी, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, दे आर वरीड अबाउट यू और उन्हें बताना जरूरी था, सो यू डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स ओके। हाँ कल भी तुम रिहर्सल पे मत आना, रेस्ट करो, परसों से रिज्यूम करो। थैंक्स, पर मैं नहीं चाहती कि अम्मी अब अभी यहाँ आए। शिट, ये बैटरी भी। क्या मैं एक मिनट आपका फोन यूज कर सकती हूँ? वो मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि मैं ठीक हूँ। यस यू विश। मैंने फोन तुम लोग को देखा? मैंने नहीं, मेरा फोन। ओ मैं गैराज भूल गया। आयुष्मान जाके देखना पड़ेगा। ओके ओके गाइस स्वयं तुम जाओ एंड मैं हुमा के साथ रहती हूँ। हाँ ठीक है चल मैं लेकर। हाँ मैं भी जाता हूँ। हाँ चल यार ये फोन तेरी। केयरफुल यू रिलैक्स ओके, स्ट्रेस मत लो। मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ, उसके बाद मेडिसिन लेकर तुम रिलैक्स करना। तब तक तुम मेरे फोन से अपने पेरेंट्स को कॉल कर दो। ओके आई सी यू। इतने वेज में तुमने मुझे विश किया, मैं तुम्हें एटीट्यूड दे रही थी। एक कार्ड, बुके, चॉकलेट्स, सब कुछ राघव, ये सब तुमने किया? हाँ